सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीड। तो आज की हमारी वीडियो को आपका टाइटल से तो पता लग ही गया होगा, इज एन अनदर रॉयल स्मोकिंग रिव्यू वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल स्मोकिंग का अपना फ्लेवर, जिसका नाम है कॉटन कैंडी। तो इस फ्लेवर को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम तो हो चुका है, पर मैंने देखा कि कोई भी बंदा इसको कवर नहीं कर रहा। और इसका रीज़न मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है, तो मैंने भी कहा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं और इसका परफॉर्मेंस से लेके हर एक चीज़ चेक करते हैं कि कैसा है फ्लेवर कैसा नहीं। तो मेनली जब मैंने फ्लेवर को ट्राई किया, ठीक है, तो इसका सेम जो स्ट्रॉबेरी है वैसे वाली फील है। तो स्ट्रॉबेरी आइलैंड, जिसने रिव्यू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको चेक कर सकते हो। तो मेनली फ्लेवर की स्मेल से हम ये जज कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट सा शक्कर जैसा फ्लेवर है, लाइक कि जैसे कि कॉटन कैंडी होती है अपनी वैसे ही स्मेल है। तो फ्लेवर की जो प्रोफाइल की बात करें, ठीक है, तो पहले 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा सा ऑडली फील होता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसको भी सेम ही जैसे अपना स्ट्रॉबेरी आइलैंड है, इसको भी हीट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बढ़िया वाला, जिसके बाद कि इसके भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा प्यारा सा टेस्ट आता है इसका। जैसे कि आप सोच सकते हो कि इसका मीठी मीठी शक्कर जैसा बहुत ही ज़्यादा प्यारा, यानी रियल कॉटन कैंडी को ही इन्होंने बनाकर रख दिया है। और रॉयल स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है यार, देखा जाए तो इतना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का यार इन्होंने, क्या कहूँ मैंने, कि कैंडी बना रखा है यार पूरा का पूरा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये बात करूँगा कि इसको भी सेमली आप हर एक किसी भी टोबैको में यूज़ करके इसको, अगर अफजल जैसे, अल्फाखेर जैसे टोबैको में, या अलजारा जैसे टोबैको में इसको अगर डाल के यूज़ करोगे मिक्स करके, तो ये और भी ज़्यादा उभर कर ये फ्लेवर आने वाला बना हुआ है। और इस टाइम मैंने इसको यूज़ किया है अलजारा के वाटरमेलन के साथ और अलजारा के मिंट के साथ। तो आप इसको हर एक फ्लेवर में आप मिक्स करके भी पी सकते हो, केले भी मार सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट देता है ये, ठीक है। और क्लाउस की तो आप बात ही मत करो, क्लाउस तो यार आप देख ही सकते हो कि लाइक तो क्लाउड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें मैंने टोटली 50% डाला है इसका रॉयल स्मोकिंग का कॉटन कैंडी, और साथ में मैंने डाला 40% अलजारा का वाटरमेलन विद 10% अपना जो अलजारा का मिंट है। तो उससे पहले ही मैंने इसको केला मार के भी देखा है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देता है। तो ये मैंने इसलिए आपको पर्टिकुलरली बता दिया कि आपको अगर मिक्स करके पीना है तो अलजारा और कॉटन कैंडी को इसको मिक्स करके आप पी सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा यानी बढ़िया सा एक नंबर वाला मिक्स है, बहुत ज़्यादा स्वीट सा, थोड़ी सी खटास वाला, क्योंकि वाटरमेलन का थोड़ा सा टेस्ट जो होता है ना नेचुरली वे में नहीं होता, तो उसके कारण थोड़ा सा खटास वाला, और मिंट का जो ठंडक है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़िया सा मिक्स कर रहा है। तो ये कह सकते हो कि रिव्यू के साथ साथ आप लोगों को एक मिक्स भी दे दिया मैंने, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्टी सा स्वीट सा शक्कर वाला कॉटन कैंडी वाला फ्लेवर है, जो कि अवेलेबल है आरसी रेड कासल के पास, जिनका लिंक यहाँ पे है। तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर इनसे ये बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और यार क्या ही बोलूँ यार, मैंने सोचा कि जो मैं फ्लेवर्स के रिव्यू होंगे वो मैं कम से कम बातों के साथ सीधे ही टॉपिक के ऊपर आने की बातें करा करूँगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लंबी 4-4, 6-6 मिनट की वीडियोस ना देखनी पड़े। इसलिए मैं प्री पैकिंग की जी प्री पैक करके ही सारा का सारा होगा सेटअप करके ही बैठता हूँ, ताकि आपको सीधा डायरेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको बता सकूँ ये कौन फ्लेवर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा इसका टेस्ट है और कैसा प्रोफाइल है। स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रांड है, ठीक है, बाकी ब्रांड्स की तरह, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया से न्यू लॉन्च कर रहा है। अभी भी इनके न्यूली लॉन्च जो भी नए टोबैकोज है वो सभी के सभी आरसी के पास अवेलेबल है, तो आप जाकर उनके पास ये बाय कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा टोबैको टेस्ट कर सकते हो। तो बाकी क्लाउड प्रोडक्शन और टेस्ट इसका सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा एक नंबर है। बहुत ही प्यारा सा मीठा मीठा फ्लेवर है, जो कि आप एक बार तो यार, यानी ये नहीं है कि पूरा डंडा ले लो, एक बार तो एक चीज़ एक पैक इसका ट्राई करके देखो, मान जाओगे अपने भाई को, और बस यार इन्जॉय करो अपना शीशा सेशन जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तुम भी करोगे, ऑब्वियस है यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर है, तो जाकर ट्राई ज़रूर करना। इट्स योर बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीड, और ये था हमारा एक अनदर शॉर्ट रिव्यू, एंड लिसन पीस आउट, शॉर्ट रिव्यू फ्लेवर के साथ, एक मिक्सिंग के साथ, सॉरी। तो इसका मैं वीडियो का नाम भी सोच रहा था, तो रख देते हैं कि
इस मिक्स का मैंने नाम भी रख दिया, अभी सोचते सोचते तो इट्स गोना बी कॉल्ड वाटरमेलन कैंडी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. इट्स योर बॉय ऋषि फ्रॉम शीशा फीड. इट्स अ पीस आउट मैन.